फूलवती का गजरा ना पहना हो ऐसा तो कोई शहर में नहीं। तू क्या हाँ तू पी हाँ तू चू हाँ तू रा नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। जानी मानी कलाकार और सांसद हेमा मालिनी 76 साल की हो गई हैं। ये कल की ही बात लगती है जब उनका अभिनय उनके नृत्य के साथ मिलकर लाखों लोगों को अपना मुरीद बनाता था। उनके व्यक्तित्व की अपनी आभा है, उनकी अपनी शालीन सुंदरता है। वो नृत्यांगना रही, फिल्मों में आई और अंततः राजनीति में आ गई। लेकिन बहुत सारा काम उन्होंने निजी संबंधों की गरिमा को बनाए रखने के लिए किया। मीरा उनकी प्रिय किरदार थी और कहते हैं कि जब गुलजार ने मीरा फिल्म बनाई तो इसमें काम करने के लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। वो बेमिसाल नृत्यांगना है। वो बेबाक राजनीतिज्ञ है। वो कृष्ण भक्त मीरा है। वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, झूम जा, झूम गई, भूल जा, भूल गई, 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 गई। 75 साल की उम्र में हेमा मालिनी को ये शास्त्रीय नृत्य करते देख लोग हैरान रह गए। मगर कम लोगों को पता होगा नृत्य ही हेमा का पहला प्यार था। उन्होंने भरतनाट्यम का बकायदा प्रशिक्षण लिया था, लेकिन 13 साल की उम्र में उन्हें एक तमिल फिल्म मिल गई। हालांकि पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों की रंगीनी का हिस्सा बने। Those days it was impossible for us to think about joining films because we coming from a very highly orthodox family. Especially my father was not at all keen, but my mother was very enthusiastic. So she wanted to improvise my dancing career. So she took me to Chennai. My father took the transfer. He was working in Employee State Insurance Corporation. So he started working there and we all settled down in Chennai, but not very happy about it. Then, you know, the Chennai is a place for all South Indian films are made. Film industry is there. So a lot of people started coming because I used to perform a lot of shows as a 13, 14 year old young girl and I was called as Delhi Hema Malini. दिलचस्प ये है कि हेमा इस फिल्म से निकाल दी गई, इस दावे के साथ कि वो अभिनेत्री बनने लायक ही नहीं। लेकिन वक्त बदला, लोगों की राय बदली और वो हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार हुई। हेमा मालिनी के खाते में कई यादगार फिल्में हैं। उन्होंने जॉनी मेरा नाम, अंदाज, सीता और गीता, धर्मात्मा और प्रतिज्ञा, शोले, त्रिशूल, मीरा जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी और बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी। हालांकि उनके खाते में कई फ्लॉप फिल्में भी आईं, लेकिन हेमा मालिनी बताती हैं कि बहुत सारी फिल्में उन्होंने सफलता के लिए नहीं, संबंधों के लिए की। उनकी माँ हमेशा उनकी प्रेरणा भी रही और गाइड भी। क्यों जिंदा नहीं रहेंगे? वो नहीं चाहते थे कि आखिरी वक्त में मैं उनकी तकलीफ देखूं। Whatever comes, you have to do sometimes somebody's recommendation, some other heroes, some other heroes, oh, please, mere liye kar do, then I have to do it. Or my, they'll come, if I'm saying no, then they'll come and pester my mother. So my mother will say, bichara, usko kar do, koi baat nahi. 70 के दशक में हेमा का जादू चलता रहा। वो सबसे पहले राज कपूर की नायिका बनी सपनों का सौदागर के साथ।
लेकिन उनकी असली जोड़ी धर्मेंद्र के साथ जमी। दोनों ने करीब 25 फिल्मों में साथ काम किया और फिर असली जीवन में भी जोड़ी बना ली। 1980 में दोनों ने शादी की। हेमा मानती हैं कि शादी के बाद उन्हें पहले जैसे रोल मिलने बंद हो गए, लेकिन अब वो सोच समझ कर फिल्में चुनने लगी थी। This is what will happen. So I was totally prepared for this. You know what kind of offers started coming? All mama's roles. Mama's role of not small babies or anything. All big, big heroes. All huge men. Mithun Chakravarti, Jackie Shroff and all this. For an artist, you can perform anything, but I was not comfortable. No. Used to come, I refused to do. And then Baghban came. I did not expect at all this is going to be such a big hit. People will love this film so much. हेमा अब भी सक्रिय हैं और गिनी चुनी फिल्में किया करती हैं। 76 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अपने शौक को बखूबी पूरा कर रही हैं। सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। रुपहले पर्दे की ड्रीम गर्ल ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति की दुनिया में कदम रखेंगी, लेकिन यहाँ भी जब कदम रखा तो बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दी। दिलचस्प ये है कि उनके साथ उनके जीवन साथी धर्मेंद्र भी राजनीति में आए, लेकिन उन्हें राजनीति छोड़ने की नसीहत देने वाली भी हेमा मालिनी थी। सीएम नहीं मैं बनना चाहूं तो एक मिनट में बन सकती हूं, लेकिन मुझे आई डोंट लाइक टू बी टाइड डाउन। ओके, एक बंद जाएंगे हम। जी जी जी, एक फ्री जो हम मूवमेंट है मेरा वो सब रुक जाए। अच्छा, उससे हम थोड़ा डरते हैं। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भले ही कहें कि वो चाहें तो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उनकी सिनेमा से सियासत में आने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधारा की भले ही वो मुरीद हों, लेकिन इन दोनों ने नहीं बल्कि अभिनेता विनोद खन्ना के कहने पर उन्होंने ये सियासी पारी खेली, और ऐसी खेली कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। I first went for a campaigning to Gurdaspur with Vinod Khanna ji. He's the one who introduced me to this section of my life today. I joined, politics or started campaigning for BJP when BJP was in power, na? Right. So naturally, one will get attracted towards the party which is ruling. And they were really doing so well. My whole entire family, myself, we were all became really admiring the whole thing. Yes. So when the offer came, naturally my entire household, everybody supported me. And Vajpayee ji and Atal ji, big name. So but I wanted to be part of it. विनोद खन्ना के कहने पर हेमा राजनीति में तो आई, लेकिन इसमें भी बड़ा योगदान उनकी मां का था। दरअसल साल 1998 में गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे विनोद खन्ना ने हेमा को अपने लिए चुनाव प्रचार करने को कहा तो हेमा ने शुरुआत में मना कर दिया और अपनी मां से इस बारे में बात की। हेमा की मां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसक तो थी ही, लेकिन साथ ही जानती थी कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए उन्होंने हेमा को विनोद खन्ना की मदद करने को कहा। माँ की बात ना टालने वाली हेमा ने आखिरकार हामी भरी और फिर धीरे धीरे राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर साल 2011 में वो राज्यसभा की सांसद बनी। हेमा यही नहीं रुकी, साल 2014 से लेकर 2024 तक वो 3 बार चुनाव जीतकर मथुरा से बीजेपी की सांसद चुनी गई। मैं हेमा मालिनी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। राधे राधे, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। एक वक्त ऐसा था जब राजनीति में लाने वाली हेमा की मां उनके लिए भाषण लिखा करती थी, लेकिन हेमा आज बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करती हैं, बड़े बड़े नेताओं के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाती हैं, अपनी बात संसद में बेबाकी के साथ रखती हैं, विपक्ष के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देती हैं।
परेशान मुझे होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं 10 साल से यही कर रहा हूँ और मेरे साथ आई डोंट थिंक कोई भी मेरे अगेंस्ट कोई नहीं है। जो महिलाओं के लिए जो कहा योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से अभी हाल ही में एक मीटिंग में बताया, उन्होंने तो जवाब दिया, अभी मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।